रेडमी ने अपने 11 सीरीज़ के 3 फ़ोन लॉन्च किए हैं, जिसमें रेडमी नोट 11, रेडमी नोट 11 प्रो और रेडमी नोट 11 प्रो प्लस करके लॉन्च किया गया है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसमें एक स्पेशल फीचर ये है कि ये मात्र 15 मिनट में आपको 100% चार्ज हो जाएगा और उसके बाद आप लोग इसे यूज कर सकते हो। और उसी के साथ साथ इसमें बहुत सारे नए स्पेसिफिकेशन भी हैं जो आपको इस फ़ोन को यूज़ करने में बहुत मज़ेदार लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं तीनों फ़ोन के जो फीचर्स हैं उनके बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके और सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जो इसका रेडमी नोट 11 का फ़ोन है कुछ इस प्रकार दिखता है। और यहाँ पे इसके पूरे स्पेसिफिकेशंस हैं, आप लोग देख सकते हो। Xiaomi ब्रांड है, मॉडल सब कुछ बताया गया है। रिलीज डेट जो है कल ही हुआ, यानी कि 28 अक्टूबर को। अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द हो सकता है। यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 5000 का है। और यहाँ पर कलर आपको ब्लैक रियल में सेलो ड्रीम गलेक्सी एंड स्लाइट मिंट में मिल सकता है। और यहाँ पे साइज़ जो है 6.60 है। और यहाँ पे प्रोसेसर जो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 है। और यहाँ पे रैम आपको 4GB और 128GB रोम के साथ मिल सकता है। और यहाँ पे जो कैमरा है आपका 50MP प्लस 8MP के साथ मिलेगा, यानी कि दो इसमें कैमरा मिलेंगे आपको बैक में, यानी जो रियर कैमरा होते हैं, और फ्रंट में एक कैमरा मिलेगा जो 16MP का होगा। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड्रॉयड ही है और स्क्रीन जो है MIUI का है। और यहाँ पे कनेक्टिविटी में आपको सब कुछ मिलेगा, वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ, USB टाइप सी और हेडफोन 3.5mm का। उसके बाद जो दूसरा इसका फ़ोन है Redmi Note 11 Pro, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। और यहाँ पे आप लोग इसके नेटवर्क में सब कुछ मिलेगा आपको, 5G तक, 2G बैंड्स, 3G, 4G, 5G सब कुछ। और स्पीड जो होगा आपका यहाँ पे HSPA में 42.2/5.76 Mbps में होगा। और यहाँ पे जो लॉन्च हुआ है अभी, कल ही लॉन्च हुआ है, अभी इंडिया में इसके भी आने के चांसेस है बहुत जल्द ही। और यहाँ पे बॉडी जो है इसका डायमेंशन है 8.3mm, वेट होगा 207 ग्राम। और गोरिल्ला ग्लास 5 आपको मिलेगा। यहाँ पे सिम डुअल सिम तो सब में रहता है, आप लोग देख ही सकते हो। और यहाँ पे साइज़ जो होगा इसका 6.67 इंचेज़ होगा। रिजोल्यूशन जो होगा 1080x2400 पिक्सल होगा आपका। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म के बारे में सब कुछ बताया गया है, एंड्रॉयड 11 है और सब कुछ ऑक्टा कोर प्रोसेसर यहाँ पे सब बताया गया है। उसके बाद इंटरनल आपको 128GB 6GB रैम और 128GB 8GB रैम और 256GB 8GB रैम के साथ यहाँ पे आपको मिलेगा, आप लोग इसमें से जो चाहो ले सकते हो। ट्रिपल कैमरा यहाँ पे आपको मिलेगा, 108MP का पहला होगा, दूसरा 8MP का होगा, तीसरा 2MP का होगा। और यहाँ पे 4K 30fps में और 1080px का 30 और 60 दोनों fps में अवेलेबल होगा। और LED फ्लैश मिलेगा आपको, HDR और पनोरमा भी मिलेगा। सेल्फी कैमरा आपका 16MP का होगा और 1080 का 30fps पे वर्क करेगा वीडियो के लिए। और भी यहाँ पे बहुत सारे साउंड के और कॉमन्स के यहाँ पे फीचर्स के सब कुछ के बारे में बताया गया है, आप लोग देख सकते हो एक बार उससे देख के। और बैटरी भी इसका आपको मिल जाएगा 5160mAh का, और जो निकाल नहीं सकते हो आप लोग। और फास्ट चार्जिंग को 67W का मिलेगा, यानी कि 100% चार्ज आपको मात्र 43 मिनट में हो जाएगा। यहाँ पे जो नीचे फ़ोन है Redmi Note 11 Pro Plus है, तो आप लोग इसका भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है दोनों में, लेकिन कुछ कुछ आपको यहाँ पे अंतर देखने को मिल सकता है। टेक्नोलॉजी में 5G तक आपको सब कुछ मिलेगा, 2G बैंड, 3G बैंड, 4G, 5G, स्पीड भी सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पे। और इंडिया में लॉन्च अभी हो सकता है यहाँ पे, और 28 अक्टूबर को मतलब लॉन्च ये हुआ है, और इंडिया में अभी तक मतलब ये लॉन्च नहीं हुआ है। बॉडी डायमेंशन सेम है आपका, वेट भी सेम ही है, और गोरिल्ला ग्लास 5 यहाँ पे मिलेगा। LED डिस्प्ले जो टाइप है इसका एमोल्ड है, 120Hz का, और HDR10 है यहाँ पे। साइज़ जो है 6.67 इंचेस का है, और रिजोल्यूशन जो है 1080 और 24 पिक्सल में आपको मिलेगा, और गोरिल्ला ग्लास के साथ प्रोटेक्शन होगा इसका। प्लेटफॉर्म वाइज सेम है, एंड्रॉयड 11 है, और मीडियाटेक डायमेंसिटी है 920x5G 6nm का, तो ये जो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और यहाँ पे कार्ड स्लोट है, और यहाँ पे इंटरनल जो है आपका 128GB 6GB रैम, 128GB 8GB रैम और 256GB 8GB रैम के साथ मिल जाएगा। मेन कैमरा इसमें भी 3 है, 108, 8 और 2। और LED जो फ्लैश है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो,
और HDR है, पनोरमा है, और वीडियो के लिए 4K आपको मिल जाएगा 30 FPS पे, और 1080 पिक्सल पे 30 FPS और 60 FPS दोनों आपको मिलेगा। सिंगल कैमरा में 16 मेगापिक्सल का होगा और वीडियो भी सेम 1080 पिक्सल पे और 30 FPS पे काम करेगा। यहाँ पे इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है और ये दोनों आपको आसानी के साथ, इसमें भी फास्ट चार्जिंग 120 वाट का मिलेगा जो 100% चार्ज हो जाएगा आपका मात्र 15 मिनट में, यानी कि 15 मिनट में आप इसे फुल चार्ज कर सकते हो और ये निकालने लायक नहीं है इसका जो बैटरी है। और इसका भी प्राइस होगा अबाउट 260 यूरो के आसपास। तो आप लोग देख सकते हो दो तीनों फ़ोन में से जो आपके लिए बेहतर हो आप ले सकते हो, अगर Redmi का 11 Pro का 11 सीरीज में से कोई भी फ़ोन आप लेना चाहते हो तो। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।